जो दुनिया में हुई हुई है और क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो हम फील करते हैं कि हमारे एरिया में, वो तो रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी होती है, इनोवेटिव स्टडी क्या है कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। दुनिया में जितनी मर्जी भी रिसर्च हो जाए उसमें फिर भी रिसर्च गैप रहता है, क्योंकि दुनिया जो है वो अभी भी एक्सप्लोर हो रही है, बढ़ रही है, तो वो नई नई चीज़ें भी जाग होती जा रही है, तो रिसर्च ही ऐसा टूल है जो कि नई जिंदगी की तरफ ले जाता है। Yes. वो याद होना चाहिए, हाइपोथेसिस की टाइप्स आपको याद होनी चाहिए, आपके हाइपोथेसिस कौन से थे, आपने उस पर स्टैटिस्टिक्स कौन सी लगाई थी, अच्छा फिर आपने जो लिटरेचर रिव्यू लिखा था वो किस टाइप का लिटरेचर रिव्यू लिखा था, आपकी जो थ्रेटिकल फ्रेमवर्क क्या था, फिर आपका जो दूसरी जो चीज़ें होती थी कि आपने जब सैम्पलिंग कैसे ली थी, टाइप ऑफ स्टडी क्या थी, क्रॉस सेक्शनल थी, एक्सपेरिमेंटल कौन सी, फिर आपको प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या थी चीज़ें, फिर इसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो एथिकल इश्यूज क्या थे, एज ग्रुप क्या था, सैम्पलिंग पे सैम्पल पावर क्या थी, ठीक हो गया, फिर आपने जो टूल्स सेलेक्ट किए थे वो कैसे किए थे, पायलट टेस्ट क्या होती है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्मेलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये आपने कैसे जो है वो कवर किया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, नॉर्मेलिटी पे कौन सा टेस्ट लगता है, वैलिडिटी पे कौन सा लगता है, नॉर्मेलिटी आपने कैसे टेस्ट की है, फिर आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसका प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग कैसे करवाई है, फिर वेरिएबल कैसे बयर किए हैं, उनके टूल्स कैसे बयर किए हैं, फिर आपने स्टैटिस्टिक्स कौन सी लगाई है, स्टैटिस्टिक पे जो टाइप वन टाइप टू एरर कौन कौन सी है, फिर उसमें टेस्ट कौन सा लगाया है, उसकी उसके लिए उसकी अजम्पशन कौन कौन सी है, ठीक है, मसलन उसमें होमोजेनिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे है, अगर डाटा नॉर्मल नहीं आता तो उस पर कौन से टेस्ट लगेंगे, अगर डाटा नॉर्मल आता तो कौन से टेस्ट लगेंगे, फिर इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं कि आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू टाइप वन टाइप टू एरर कैसे कंट्रोल की है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, फिर उसके बाद आपकी जो स्टडी है वो कितने रिसर्चर्स हैं जो उसको जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं, उसको जो है वो असिस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ आपके रिजल्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है, और कितनों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं,